प्रणाम भाई। जाता नहीं है, अपन ख्याल ठीक से रखियो। ठीक बेटा, अच्छा से रहियो, सब अपन ठीक ना होला। हम अपन ध्यान रखियो से। अरे मैं हमार तो टेंशन मत ले, खाई पिए के सामान सब रख दे बनी ध्यान से खाई। हां ठीक बा, बैग में बांध दे। लोग के फेर में मत पड़। अरे ना, वो सब के टेंशन ते मत ले भाई, हम सब ठीक बा। कमा के पैसा वैसा भेज दे। हां मैं वो तो हमरा चिंता बटे ना, ओकरे खातिर जाता नहीं हम कमाई खातिर। ठीक बा बेटा, जा विश्वास लेके जाता रह। ठीक बा मैं अपना। काम भी करूं, जॉब भी करूं, उसके बाद फिर आऊं, फिर काम करूं, ये क्या तरीका होता है? मैं क्या इंसान नहीं हूं? मैं थकती नहीं हूं? जब देखो तभी मैं सारा काम करती, आप हाथ भी नहीं बटाते। किसी नौकर की व्यवस्था कीजिए, वरना मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊंगी, अपना घर चलाते रहिए। अरे जानू, क्यों गुस्सा हो रही है यार? रोज तो तुम ही करती हो ना, फिर आज नौकर नौकर क्यों करने? रोज रोज करके इंसान थकता नहीं है क्या? रोज रोज कितने दिनों से कुछ नहीं बोल रही, नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो इंसान हुई ही नहीं। पूरे दिन सुबह उठो, उठ करके आपका नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, आपको पैक करके दूँ, उसके बाद फिर मैं जॉब पे जाऊँ, फिर जॉब से यहाँ पे आऊँ, तो फिर मैं खाना बनाऊँ। आपको खाना भी नहीं बनाना होता। उसके बाद से जब आप सोने के लिए जाते हैं तो फिर आप बोलते हैं क्या कि नहीं जागो। बताओ मेरे से कैसे होगा? मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ? अरे यार, मैं भी तुम्हारी प्रॉब्लम से मतलब वो कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो परेशानी में हूँ। तुम भी तो देख रही हो, मुझे भी जॉब जाना होता है। किसी नौकर की व्यवस्था करो, वरना मैं जॉब वॉब छोड़ के बैठ जाऊँगी, मेरे बस की नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, थकती हूँ मैं भी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं नौकर की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से, ठीक है? कब तक करोगे ये बता दो मुझे पहले। अरे यार, तो वो तो मैं तो अपने दोस्तों से आज ही बात करूंगा। कितने दिनों से क्यों नहीं किया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने दिनों से आपने क्यों नहीं की नौकर की व्यवस्था। आपको दिखता नहीं है क्या? मेरी मेहनत नहीं दिखती आपको? अरे यार, मैं कर लूंगा ना व्यवस्था, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो यार? कितनी क्यूट हो यार, कितनी क्यूट हो यार। मेरी इस क्यूट सी शक्ल का भद्दा बन गया बिल्कुल ही। अरे यार, तुम तो जानती हो, तुमसे हम दिलो जान से लव करते हैं कि नहीं? अरे दिलो जान से प्यार करते हो, कम से कम मेरे लिए एक नौकर तो ला दो। घर में कोई सर्वेंट नहीं है यार, मैं थक जाती हूँ यार, समझते नहीं हो यार? कुछ दिन के लिए तो समय दो मुझे। क्यों? इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? अरे यार, मैं कर दूंगा, कुछ दिन के लिए तो समय दो मुझे। कब दो? कितने दिन का समय दो आप ये बता दो मुझे, कितने दिन का टाइम दूं मैं आपको, जो आप मेरे को लाकर के एक सर्वेंट दोगे? अच्छी ये यार, आज तूने कितने मतलब इतनी ना, शाम को मैं कहां से तुम्हें लिए सर्वेंट लेके सर्वेंट लेके व्यवस्था? अरे यार, आपको पता है जो मेरी कलीग्स हैं वो लोग बोलती है कि मेरे को तो कोई टेंशन नहीं होती, मेरी मेड सब कुछ संभाल लेती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जाती आराम से, जाते जाते मेड मेरे को नाश्ता दे देती है, पानी दे देती है, और मैं वो एक थकी हुई आती हूँ ऑफिस से, उसके बाद फिर आकर के खाना बनाती हूँ, उसके बाद तो तुम बैठ करके खाते हो। ये भी नहीं होता कि एक कप चाय भी दे दूं मेरे को? अरे यार सही में, मैं कर दूंगा व्यवस्था तुम्हारे लिए सर्वेंट का, सर्वेंट चाहिए, मैं कर दूंगा व्यवस्था। कब करोगे? ये समझ नहीं आ रहा, कब करोगे आप सर्वेंट की व्यवस्था? इतने दिनों से आपको बोल रही हूँ कि मेरे को एक सर्वेंट चाहिए, एक मेड चाहिए, एक सर्वेंट चाहिए, लेकिन आप हो कि आपने तो बिल्कुल पत्थर की लकीर लिख ली है कि नहीं, मेरे को तो सर्वेंट, मेरे को ही सर्वेंट बना के रखोगे आप, सर्वेंट तो लाओगे नहीं, पैसे बर्बाद जाएंगे आपके। अरे यार जानू, गुस्सा मत करो, ठीक है, मैं कर दूंगा, ठीक है, ओके। कैसे करेंगे आप? इतने दिनों से क्यों नहीं कर रहे थे? मैं इतने दिनों से बोल तो रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं इतने दिनों से नहीं बोली। मैंने अपने दोस्तों से बात किया था, पर किसी ने मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो मैं कहां से दोस्तों से क्यों बात कर रहे हो? तो फिर मैं डायरेक्ट सर्वर को कहां से? आप कहीं से आसपास से पता करो ना, आप तो जल्दी आ जाते हो ना शाम को। अरे यार, तो मैंने अभी अभी रात को 8:30 बज रहे हैं और आप शाम को 6 बजे आए हुए हैं। आपको पता नहीं, आपको थोड़ा सा कम से कम चाय तो बना लेना चाहिए था मेरे लिए। देखो घर में बिल्कुल भी ना चाय है ना पानी है, कुछ है ही नहीं। तुम तो जानती हो मुझे कुछ भी बनाना है उन्होंने कुछ भी नहीं आता है, फिर भी तुम मुझसे हमसे मतलब वो कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट का व्यवस्था कर दूंगा। नीचे वाले भैया दुकान जो है ना, वहाँ उन भैया से बात किया, उन्होंने बोला कि 2-4 रोज में मैं बता दूंगा। बात ही मत करो आप मेरे से, रहने दो, कोई जरूरत नहीं आपको मेरे से बात करने की। कभी भी आप इतने दिनों से बोल रही हो, लेकिन मेरा इतना थक जाती हूँ, लेकिन आप हो कि मेरे लिए कभी एक नौकरानी की व्यवस्था कर ही नहीं सकते, आप तो मेरे से प्यार ही नहीं है जरा सा भी। अच्छा तुमने बताओ, तुमने आज तक जब से मैंने तुमसे लव किया, 4 साल हो गए ना हम दोनों को लव करते हुए और शादी किए हुए साल भर, जब से मैंने तुमसे लव किया है तुम्हारा एक भी बात काटा है मैंने? इतने दिनों से तो बात काट रहे हो, कौन सी बात काटोगे? पहले मेरे को तो नौकरानी बना के रख दिया, घिस घिस के मेरे हाथ देखो कितने टाइट हो गए हैं। अरे यार ठीक है, मैं कर दूंगा व्यवस्था यार, मैं जल्दी ही कर दूंगा, कल ही कर देता हूँ, ठीक है? मेरी कलीग्स बोलती है कि चांदनी तू पैसा कमाती है, लेकिन कहाँ से इधर पैसे जाते का है, तू सर्वेंट क्यों नहीं रखती है? अरे यार मैं कर दूंगा, बेचारी घर पे, मैं यहाँ पे आती हूँ, काम करती हूँ, उसके बाद फिर सोने के लिए जाती हूँ,
अरे यार मैं कर दूंगा व्यवस्था, प्लीज यार मान जाना, अब तो गुस्सा ना, मैंने बोला ना कल कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, कल पक्का हो जाना। हाँ कल मैं कर दूंगा पक्का, ठीक है, उसके बाद बात मत करना अगर नहीं करोगे। हाँ मैं कर दूंगा यार, कल पक्का कर दूंगा, पर मान जाओ यार, क्यों इतना गुस्सा रहे। चलो आज तो खाना वाना बना दूंगी ना, जा रही हूँ बनाने। हेलो, हाँ भाई प्रणाम। हाँ हाँ यहाँ सब चीज़ ठीक बड़े, कही आओ तरी। हाँ ठीक बा, आओ हम तुरंत लेवे खाती आ जाओ स्टेशन। हाँ हाँ एकदम आओ, मुझ हाँ हाँ बाकी सब ठीक बाटे, यहाँ सब ठीक बड़े। हाँ ठीक बा भाई प्रणाम। हाँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया है। ओके बाय जानो। बैठ भाई, ये दे सामान दे, बैठ। के रहे बेटा वो? अरे ये नु पतो रह लिया भाई तोर। अच्छा हाल चाल कुछ ना पूछ ली, गोर और लवली ना अच्छा छोड़ ले। अच्छा मैं उसे कोनो बात नहीं कहे, डिप्टी को लिया लेट होता है ओकर उसे चल गेल सब से। घर में ठीक बनू? हाँ सब बढ़िया बाटे, तो देखते बड़े सब। काहे तू बड़ा गुल बड़े इतना खाना वाना ना देवे का? अरे खानी भाई अब क्या कर भी, यहाँ के शहर के खाना तो जानते ही बड़े, गांव में तो दाल भात चोखा मिलत रहो थे बनावते रहे, तोरा आंत के खाइल ढेर दिन हो गए रहो, ठीक कोई मैं आ गई। आज ये बना देते नहीं हाँ हो दाल भात नहीं चोखा बनाओ एकदम, लेकिन बना के गोल भी है क्या का बने, अब बनेगे भैया क्या बने ले, नॉन वेज वगैरह ज़्यादा पसंद बा, देखो तेरे के मोटाइल भी है। का इन्हें आके नॉन वेज खाई लग ले? अरे तो क्या करबे मैं, अब मेरा लोग खाई नॉन वेज, हम वेज खाएँ तो फिर केंगे रही, अब वही बने का पड़े ला मेरा लोग के देख के क्या करबे मैं। चल बेटा कोई बात ना, तोहरे खुशी में हमारे और खुशी। घर घर द्वार के समाचार सब ठीक बनो भाई? हाँ सब ठीक आ ननका के गयो के का बोल, बेच दिलो सो। गाय बेच दिलो हाँ ओकर बछड़वा साथ हमने कितना खेलत रही, सब हती हती जगह में खेलत रही है। बेच दिलो को तो कहियो के। अच्छा चल भाई कोनो बात नहीं, क्या बोल 4-5 साल गोइला हो गेल गांव में। तबियत ठीक ना रहत रहे, आइल बा दिल्ली में तो ओकरे साथ ही आइल रहनी है। ओकरे साथ आइल रहे तो का चल बिहार ठीक, से यहाँ तक कोनो आवे आए में तकलीफ ना होइला, ना कोई तकलीफ ना, रास्ता में खाना पानी सब पूछ लेला। चल ठीक बा माई ठीक बा, तो बढ़िया बाटे। लोग काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे आ किस लिए गए ये लोग। कुछ काम धाम करना नहीं होता, बस पूरे दिन बैठ करके खाना होता है, और साथ ही साथ इन लोगों को हमेशा बीमारी कोई ना कोई तो रहती है। इतनी सारी तो बीमारियां कि इनकी दवाइयां खरीद खरीद के इंसान गरीब हो जाए, ऊपर से घर में परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, मुझे जीने नहीं देंगे। एक तो इन्होंने सर्वेंट की व्यवस्था नहीं की, ऊपर से अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के आ गए, इतनी सारी बीमारियां इनको, ऊपर से गिलास गिराती हैं, कभी चम्मच गिराती हैं, कभी बर्तन बजाती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि सारी की सारी परेशानियां मेरी किस्मत में है क्या, मुझे जीने नहीं देंगे ये लोग। बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाओ यहाँ से। पता नहीं लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है, किसी की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। एक तो ऐसे ही घर में इतना काम है, ऊपर से अपनी माँ को और ले आए हैं, एक इनकी माँ है, हमेशा जब देखो तब कभी ना कभी गिलास गिराएंगी, कभी बर्तन गिराएंगी, कभी वॉशिंग मशीन खराब कर देंगी, कभी कुछ खराब करेंगी, कभी कुछ खराब करेंगी। कुछ करना धरना नहीं आता तो यार कम से कम बैठो ना चुपचाप, बैठ भी नहीं सकते ये लोग। क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला कर रही हो तुम यार? अरे यार तुम अपनी माँ को लेकर के आ गए, आज तक तुमने एक नौकर की व्यवस्था नहीं करी, ऊपर से मैं घर का सारा काम करती हूँ, थोड़ी देर शांति से बैठती तो कभी गिलास गिराती है, कभी चम्मच गिराती है, कभी गैस खराब कर देती है, कभी वॉशिंग मशीन खराब कर देती है। तुम शांत रहो, क्या हुआ? पानी के गिलास लेकर रही हूँ बबुआ, तो हाथ से छूट गई हो। अरे तो इसके लिए तुम इतना हल्ला करते हो, और तुम ही मैं सही से नहीं उठा सकती थी? ठीक बात, तू हमारे टिकट करवा दो, हम चल जाए बिहार का छोड़ के आ जाओ ट्रेन तक। और एक गिलास गिर जाने से तुम इतना भड़क रही? अरे यार एक बात बताओ, गुस्सा नहीं आता क्या? मैं पूरे दिन तो काम करती, थोड़ी देर शांति से बैठ के फ्रेंड्स से चैट कर रही थी। आप शांत रहिए, देखिए तो मैं चैट कर रही थी, आप गिलास गिराते हो, कभी कुकर गिराते हो, कभी कुकर का पूरा ढक्कन तोड़ दिया इन्होंने कुकर का।
अरे तुम माँ को गुगुर की इतना समझ में नहीं आई, गांव से आई हुई तो वो क्या कर सकती है बताओ ना तुम। तो मैं क्या करूँ आप बताओ, गांव से आई है तो ये शांति से बैठे ना, इनको कौन बोलता काम करने के लिए, मैंने तो नहीं कहा इनको काम करने के लिए, लेकिन ये है कि नहीं इन्हें तो जबरदस्ती घुसना है किचन में, इन्हें जबरदस्ती काम करना है किचन में, इन्हें सब कुछ करना है लेकिन सारा कुछ उल्टा। अरे यार वो समझती है गांव में कैसे काम होता है, शहर का किचन में देखती है कुछ सामान वामान देखने के लिए, तो फिर इतना तुम भड़क रही हो। जाता नहीं लड़ा रोगी माँ। देखो यार माँ आई थी गांव में गांव से शहर में घूमने के लिए और तुमने उसे इतना सुना दिया, वो फिर गांव जाने लगी, बताओ। तो मैं क्या करूँ आप ही बताओ ना, इनको शांति से बैठना चाहिए ना, इन्हें पानी चाहिए था मेरे से मांग लेती ना, मैं दे देती इनको उठ करके, कभी गिलास कभी चम्मच कभी कुकर कभी वॉशिंग मशीन कल खराब कर दिया, बताओ मैंने कपड़े हाथ से धोए हैं, आप सोच सकते हो। चलो ठीक है माँ गई, अब तो शांति से हो ना। क्या शांति से, आपने आज तक व्यवस्था करी है मेरे नौकर की? यार मैंने नौकर की बात कर ली है, नौकर कल आता ही होगा, कल पक्का। और अगर नहीं आया ना तो मैं जॉब छोड़ के आऊंगी, रिजाइनिंग लेटर देके आऊंगी, वरना आप रिजाइन लेटर देके आना, सारा काम आप ही करोगे, मेरे से नहीं होगा घर का काम, एक तो जॉब भी करो फिर घर का काम भी करो, उसके बाद तुम्हें भी टाइम दूं। बड़ा लोग इन मंग बबुआ लोग हमरा के पहुंचा दो रेलवे स्टेशन, हम चल जाते नहीं बिहार ना, माई तोरा नहीं खेजेगे ना, हम सुखी है नो परिवार चाहिए। अरे माई तोरा नहीं खेजेगे ना, हम जाते नहीं पहुंचा दो हमरा के बिहार तक। अरे नहीं खेजेगे तोरा माई खेजेगे, यही जाएगा बता। आप रुक जाइए, जाने दीजिए बुढ़िया को, जाने दीजिए बुढ़िया को, नहीं जाएगी माँ, दो दिन की आई हुई औरत माँ से हमको अलग कर रही है, बचपन से पाली है माँ मुझे, तुम क्या समझ रही हो, बचपन से मुझे मार पड़ी है, तुम दो दिन से आई हुई हो हमारे से अलग कर रही हो, नहीं जाएगी माँ यहीं पर रहेगी, तुमको रहना तो रहो माँ मेरी, मजा आ रहा माँ के साथ। सुनिए मुझे माफ कर दीजिए, सुनिए रुकिए मुझे माफ कर दीजिए ना, आ गई अगर ठिकाने पे अब माँ मुझे माफ कर दो ना प्लीज, कोई बात नहीं खुश रहो, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, कोई बात नहीं चलो लोग घर में चला जाऊंगी। हाय गाइस, मैं हूँ चांदनी और इस चीज़ की मैं बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ कि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं जॉब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप समझदार हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अपने माँ बाप को और अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए। तब बिल्कुल ठीक कह लिया हमारे बहू, अगर रउआ सब अपन सास माई के इज्जत ना करें लोग तो राउर पति भी छोड़ के जा सकेला और पत्नी भी छोड़ के रउआ के जा सकेला, तो इक्वल कह सकत नहीं जा कि क्या कहा जाए सम्मान मिले के चाहिए, चाहे वो सास ससुर के हो चाहे माई बाबूजी के हो, तभी ये परिवार आगे चलेगा। हम हई ममता तिवारी, हमारे साथ बड़े नितेश बोली जी। नमस्कार सबर बस बुढ़िया भाई के और हर कोई देवी वीडियो देखते हुए सबको के नमस्कार हमारा तरफ से, और परिवार से बेहद प्यार करी और खास करके हर किसी से प्यार करी और माँ के बिल्कुल ना छोड़ी, जे हमनी के धरती पर लियावल बटे ओकरा के तो बिल्कुल ही बिल्कुल मत छोड़ी। तो ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करे के बाद, शेयर करे के बाद और सब्सक्राइब करे के बाद, शेयर कर बिल्कुल मत भूले लोग, बेल बेल वाला घंटी बजाओ बिल्कुल ना भुलाए के बटे, और इतना जोर से बेल बजाए के बाद कि ओकर आवाज हमनी के पास आ जाए ताकि हमनी के मालूम चले कि हमनी के गौर भाई जुड़ चुकल बड़े, हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर चुकल बड़े और हर एक वीडियो हमनी के कोशिश करब से कि लोग तक पहुंचे। अब भी हमने कही इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।